हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। कैसा रहा आप लोग का पेपर? उम्मीद है अच्छा हुआ होगा पेपर। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के, जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। ये विजय माइनर टेस्ट 09 है। देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड, टू मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड spontaneously into vacuum, the work done will be, work done हमारे पास क्या होता है, माइनस P delta V। और P कौन सा लेते हैं, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और ये कह रहा है वैक्यूम में जा रहा है, तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वैक्यूम है वहां पे प्रेशर क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस P, जीरो डेल्टा V। वर्क डन कितना आ गया, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, चौथा। जब भी वैक्यूम आए तो आप वर्क डन जीरो कर दो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। विच आर द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन एंड आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन जो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर सिर्फ डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देखो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन है। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। और प्रेशर हमारा क्या है, ये भी स्टेट फंक्शन है, लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और ये स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, पहला ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास स्टेट फंक्शन भी है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। द थर्मोकेमिकल इक्वेशन आर गिवन, हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है। बेस्ड ऑन द एबव इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशनशिप गिवन बिलो इज करेक्ट। हमारे पास तीन इक्वेशन है, इनके लिए हमें इनका इंथैल्पी दिया गया है। कह रहा है कि इनके इनमें रिलेशन क्या होगा ए बी और सी में। तो हमारे पास देखो हम क्या करते हैं, इसमें से एक रिएक्शन को हम क्या करते हैं, मेन रिएक्शन मान लेते हैं। एक रिएक्शन को अगर हम मेन रिएक्शन मान लेते हैं, और इन दोनों रिएक्शन से हमें ये मेन रिएक्शन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पहले को हम क्या करते हैं, मेन रिएक्शन मान लो इसको, मेन रिएक्शन मान लिया इसको, ठीक है। अब हमें, हमारे पास क्या है, दो रिएक्शन है जिससे हमें ये रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। देखो हमें क्या चाहिए, कार्बन सॉलिड है, और एक O2 चाहिए, वन मॉलिक्यूल O2 चाहिए। यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, CO2 है, और ये CO कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास ये पहली वाली रिएक्शन मिल जाएगी। मतलब अगर हम B प्लस सी, ये A = हमारे पास क्या हो जाएगा, B + C। मतलब इन दोनों को जोड़ के हमारा ये रिएक्शन मिल रहा है, तो B + C = A। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, A = B + C, ऑप्शन नंबर चौथा। देखो इसमें से आप किसी को भी मेन रिएक्शन मान सकते हो, किसी को भी, तीनों में से किसी को भी मेन रिएक्शन मान सकते हो। और दो रिएक्शन जो बचेगी उससे हमें मेन रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है सभी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे O2 हो गया, इनका क्या होता है, जीरो होता है। कार्बन ग्रेफाइट हो गया, इन सबका स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। पहले हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन देख लेते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। हमें कह रहा है डेल्टा एच कब ज्यादा होगा, डेल्टा यू से, और चार रिएक्शन हमें गिवन है।
अगर देखो, अगर हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू से ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से ज्यादा किस में आती है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू दो माइनस चार, दो माइनस चार कितना आ रहा है माइनस टू, ये जीरो से कम आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखो, लिक्विड का ही लेते हैं हम, गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, तो वन मॉलिक्यूल इसका दो और एक तीन, वन माइनस थ्री कितना हो गया माइनस टू, ये भी निगेटिव आ गया डेल्टा एन जी। यहाँ देखो दो माइनस एक कितना आ गया पॉजिटिव, और हमें क्या चाहिए पॉजिटिव ही चाहिए डेल्टा एन जी की वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया थर्ड, यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। यहाँ देखो कितनी आ गई, ये भी एक प्लस, ये भी एक प्लस, ये भी एक प्लस, ये भी एक प्लस, तो यहाँ एक्वस के केस में हम वन लेते हैं, ठीक है, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो। डेल्टा एन जी में हम गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, तो इसमें हमारा कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़े देखते क्वेश्चन नंबर 56। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड 5.10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना दिया गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू होता है हमारे पास लैम्डा एमसी, क्या मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, और लैम्डा एम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एमसी की वैल्यू कितनी है 5.10 और लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना है 385.25, और हमें परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 510 डिवाइड बाय 385.25। क्या करो, दसमलव हटाना, दो जीरो ऊपर बढ़ा दो, देखो एक जीरो दो जीरो 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है, ये हमारे पास 385.25 5100 कितनी बार जाएगा, ये पहली तो एक बार जाएगा 385.25, तो वन वाला कौन सा आंसर हमारे पास, देखो यहीं से हमें पता चल गया वन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1.32, ये 3 है 4 है 2 है, तो 1.32% हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा बहुत अप्रॉक्स आंसर है तो हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पॉइंट करते ही हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया चौथा 1.32%, कितना आ जाएगा ये 1.32% अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देख लो अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ई सेल ऑफ सेल एनआई एनआई प्लस टू, ये क्या दिया हमें, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, और इसके लिए ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है एक्स बोल्ट, और इफ कॉपर के लिए हमें दिया है रिडक्शन पोटेंशियल इतना, तो हमें एनआई प्लस टू के लिए बताना है, तो ई नॉट सेल हमने पढ़ाया बच्चों क्या होता है, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो बच्चों जो पहले होता है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ, और बाद वाला क्या रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन ऑफ, तो ऑक्सीडेशन कहां होता है एनोड पे और रिडक्शन क्या होता है कैथोड पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.34 कैथोड रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है माइनस एनोड किसका ई एन आई से एन आई प्लस टू, और हमें इसकी वैल्यू गिवन है एक्स, तो हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो इसको इधर ले आओ ई एन आई एन आई प्लस टू, और इसको इधर ले जाओ तो 0.34 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। इस सेल हमारे पास क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड,
तो ऑप्शन कौन सा हो गया, देखो 0.34 माइनस एक्स वोल्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो इसको एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, कह रहे कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पॉजिटिव होता है। इट इंडिकेट दैट, इससे ये क्या प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। कॉपर डिजॉल्व इन HCl इजली, क्या कह रहा है, कॉपर HCl में इजली डिजॉल्व हो सकता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें जो कॉपर होता है वह हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है और नीचे वाले एलिमेंट कभी भी ऊपर वाले एलिमेंट को उनके सोल्यूशन से नहीं हटा सकते हैं। तो कॉपर हमारा HCl में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, जैसे कॉपर है और ये हमारे पास HCl सोल्यूशन है, और कॉपर क्या है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, नीचे आता तो मतलब ये हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता इसके सोल्यूशन से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कॉपर HCl में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये कह रहा है कैन डिजॉल्व इजीली, ये गलत हो गया। Cu+2 आयन गेट रिड्यूस मोर इजीली देन H+ आयन, कह रहा है Cu+2 गेट रिड्यूस मोर इजीली, जैसे हमें पढ़ा है SRP, SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। बच्चों जिसका SRP ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा भाई, जो फास्ट जितनी फास्ट रिड्यूस होगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो हमारे पास देखो ये इसका SRP वैल्यू ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा और ये जल्दी रिड्यूस होगा, किससे, हाइड्रोजन से, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है, और हमें सही ऑप्शन ही लगाना था। अगला दे ऑप्शन देख लेते हैं, H2 गैस कैन नॉट रिड्यूस Cu+2 गैस, ये जो नीचे होते हैं इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है और इनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, और यहाँ क्या लिखा है H2 गैस कैन नॉट रिड्यूस कर सकता है, ये गलत हो गया। हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस कर सकता, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत अच्छा एप्लीकेशन करवाया इस क्वेश्चन में। 58 का कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एट इक्विलिब्रियम पे हमारे पास बच्चों होता है E0, हमने पढ़ा है E सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई N log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 हो जाती है ई सेल की वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सो 2 मोल जिंक मेटल रिएक्ट विद 2 मोल कॉपर, कह रहा है जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे, Cu+2 से, और बना क्या रहा है हमारे पास 2 मोल Zn+2, Zn+2 बन रहा है और Cu कॉपर बन रहा है, ठीक है। अगर देखो हम इनके एक एक मोल लेते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और कॉपर हमारे पास क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर इनके हम एक एक मोल लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, अगर इनके बच्चों दो दो मोल ले लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द चेंज विच डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट में रिलेशन बच्चों पता है, डेल्टा जी माइनस एन एफ और ई नॉट से, ठीक है, ये पता है। यहाँ पे हमारे पास एन क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एफ है फैराडे, ई है ई नॉट से, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4, एफ इंटू ई से,
डेल्टा जी हमारे पास क्या आ गया, ये बट्टू डेल्टा जी है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट नहीं है, डेल्टा जी है माइनस एन एफ माइनस फोर एफ ई से, ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड। यहां पे हमें मेन क्या निकलवाना चाह रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बस एक मोल लेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन, दो मोल ले लिया तो चार इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। इन एन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बेटा जब भी बोले तो डेल्टा टी क्या कर दो, जीरो कर दो और डेल्टा यू भी जीरो कर दो, ठीक है, जब भी आइसोथर्मल आ जाए। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपेंशन हो रहा है, मान लो हमारे पास ये क्या है, गैस है, एक गैस है, पहले उसका वैल्यूम यहां पर था, वैल्यूम कहां था, यहां पर था, ये उसका वैल्यूम था गैस का, चलो ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी है, पहले इसका वैल्यूम कितना था, वी1, ये वैल्यूम था, अब गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस एक्सपेंड होगी तो मान लीजिए यहां आ गया, ये हो गया उसका वी2, क्या हो गया वी2, तो यहां डब्ल्यू इक्वल टू हमने देखा बच्चों माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी, डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पी एक्सटर्नल वी2 माइनस वी1, वी2 माइनस वी1, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस वी2, क्या है ज्यादा है वी1 कम है तो किसमें आएगा, निगेटिव ही आएगा, डब्ल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो ये तो सही है। अब क्या करें, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू तो वैल्यूम जीरो नहीं हो रहा है, वी टू माइनस बी वन क्या हो रहा है, वी टू माइनस बी वन पॉजिटिव आ रहा है बस, तो वन एंड थ्री, बोथ वन एंड थ्री दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, चौथा। सिक्सटी का ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन बाय एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस 27 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू हमें दिया है ये बी वन और ये बी टू, तो डब्ल्यू बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, क्यू के बराबर होता है आइसोथर्मल में, और ये फार्मूला हमें पता है 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन माइनस 2.303 एन की वैल्यू दी है बच्चों, देखो कितना है वन मोल, आर की वैल्यू हमें देखो गिवन है क्या टू, और टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस तो 300 केल्विन, लॉग वी टू बाई वी वन, लॉग वी टू, वी टू कितना है 22.4 और वी वन कितना है 2.24, ये कितना हो जाएगा बच्चों 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, अब ये कितना आ गया माइनस 2.303 इंटू 600 और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, कितना हो जाएगा ये देखो 18, 6 3 18 14 12 1 13, कितने अंक, 1 0 2 0, अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1381.8 क्या हो जाएगा ये कैलोरी, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू हमने किस में रखी है कैलोरी में, देख लो उसको एक बार, ऑप्शन कौन सा हो गया पहला। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, H2Cl2 2HCl, इसका डेल्टा एच हमें दिया इतना, इफ 3 मोल H2 कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल Cl2 टू फॉर्म HCl तो डेल्टा U, हमें पता है बच्चों डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और यहाँ पे डेल्टा Ng निकालोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो जो डेल्टा H होगा वही डेल्टा U होगा। अब देखो डेल्टा एच एक मोल के लिए तो इतना है, तो 3 मोल के लिए क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -450, तो डेल्टा यू भी हमारे पास कितना हो जाएगा -450 डेल्टा। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये रिएक्शन डेल्टा एच हमारे पास इतना है,
डेल्टा एस इतना है, दिस रिएक्शन शुड बी, जो हमारे पास एक रिलेशन पता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे देखो हमारे पास डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, 30 किलो है, तो इसको इतना कर देते हैं 30,000 माइनस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव में है कितना 50, तो ये हम कुछ भी कर लेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा हमारे पास निगेटिव ही आएगा, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो दोनों वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, यहाँ पे किसी कोई भी टेम्परेचर ले लोगे डेल्टा जी हमारे पास क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर लोगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव ही आएगी। तो 64 का कौन सा हो गया चौथा, यहाँ पे आप टेम्परेचर कोई भी ले लोगे तो ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी, क्योंकि ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव, और अगर डेल्टा जी निगेटिव होता है तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एन इमेजिनरी रिएक्शन है हमारे पास जेड वाई टेक प्लेस इन थ्री स्टेप, हेसला इज अगर कह रहा है कि हेसला एप्लीकेबल है देन हीट ऑफ रिएक्शन जेड वाई के लिए बताना है, पहले हम लिख लेते हैं जेड से क्या बन रहा है, जेड से ए बन रहा है, तो डेल्टा एच कितना है हमारे पास डेल्टा एच है माइनस क्यू वन, ये माइनस क्यू वन है बच्चों, और बी से ए बन रहा है, बी से ए बन रहा है तो क्या है डेल्टा एच है क्यू टू माइनस क्यू टू, और क्या हो रहा है थर्ड वाली रिएक्शन बी से वाई बन रहा है, बी से वाई बन रहा है तो डेल्टा एच कितना है बच्चों माइनस क्यू थ्री, ठीक है। और हमें क्या निकालना है जेड से वाई, जेड से वाई मतलब हमें ए को कैंसिल करना है और बी को कैंसिल करना, अगर बच्चों हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, देखो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा ए से बी, ठीक है ए से बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, भाई उल्टा किया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस क्यू टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू टू प्लस क्यू टू। अब देखो ये रिएक्शन भूल जाओ, ये रिएक्शन क्या करो भूल जाओ, ठीक है। अब अगर हम इनको जोड़ दें, देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू वन, मतलब हमने क्या किया तो क्यू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू टू इक्वल टू, इसके लिए हमें लाना है तो ये हो जाएगा क्यू टू, सबको जोड़ दिया हमने क्यू टू माइनस क्यू वन माइनस क्यू वन माइनस क्यू थ्री, क्यू टू पॉजिटिव है इसके लिए डेल्टा एस हमारे पास हो जाएगा क्यू टू माइनस क्यू वन माइनस क्यू थ्री, क्यू टू माइनस क्यू वन माइनस क्यू थ्री, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। देखो क्यू टू क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव हो गया, इन सबको क्या किया हमने जोड़ दिया, ठीक है जोड़ दिया सिंपल प्लस कर दिया इन सबको, हेस लॉ लगा के जोड़ दिया इनको। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद ए करंट 3 एम्पीयर, हमें टाइम दिया है कितना 10 मिनट दिया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो कितना हो जाएगा 600 सेकंड, करंट दिया है कितना, करंट दिया 3 एम्पीयर, और क्या दिया व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, कह रहा है कितना मास डिपॉजिट होगा कॉपर का एट कैथोड पे, ये एटॉमिक वेट इनटू आई इनटू टी डिवाइड बाय एम इनटू फैराडे, ए की वैल्यू हमारे पास इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों 63.5 इनटू करंट हमें दिया है 3 और टाइम कितना है 600 सेकंड डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना हो जाएगा प्लस 2 मतलब एन फैक्टर 2 इनटू 96500 2 0 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 2 3 6, अब 5 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा ये 5 5 बच्चा 4 5 9 45 एक बच्चा 5 3 15 और ये 5 5
पाँच दूनी दस, पाँच सात 35, ये बच्चों देखो कितना हो गया हमारे पास, सात त्री 21, ये हो जाएगा 3 सत्य 21 और 3 दूनी 6 एक 7 और 3 एक 37.1 डिवाइड बाय 190। तीन अब इसमें तीन से अभी और मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तीन एक नम तीन, तीन सत्य 21 और तीन त्रिकन्नौ 211। एक मिनट बच्चों, ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तीन त्रिकन्नौ 12.7 × 9 डिवाइड बाय 190। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते कितना होता है, एक अंक के बाद 10 डिवाइड बाई 190, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.58 समथिंग आएगा ये, तो आंसर हमारे वेट कितना आ जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम, इतना ग्राम 0.58। 58 का ऑप्शन कौन सा, 50 है, 6 है, 4 है, 58 का पहला ऑप्शन है, 58.76 ग्राम। ये कहां से आएगा आपको, ये जब डिवीजन हम करेंगे इसका, देख लो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास पहला, इसका की पॉइंट बच्चों ये है, ये फार्मूला अगर हमें पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ हमारा कैलकुलेशन बचता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है माइनस एन एफ और ई नॉट से, तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एफ 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू हमें दी है कितना 2.1, ये हो जाएगा माइनस 4.1 इंटू 96500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा माइनस का 405.24 डेल्टा जी नॉट। देखो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, 96500 कैलकुलेशन करो कितना, 4.1 से हो जाएगा 00569, ये हो जाएगा 0006 देखो कितना हो गया, ये 4.2 और ये कैलकुलेट करना है किसमें, 4.1 ये हो जाएगा 102.0569, ठीक है, और ये 0006 9 4 36 37 38 डेल्टा एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आई है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल 2.0 कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, एन की वैल्यू आ गई 2 96500 2.1 ये हो गया 4.1, यहाँ बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, देखो 0056 9 6 15 5 8 1 9 और ये एक अंक के बाद 39, और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 395 बच्चों, 395 के करीब कौन सा है माइनस वाला, 395 के करीब बच्चों ये हमारा है, ये देखो 205 है, ये 405 प्लस में है, प्लस वाला तो होगा नहीं, होगा तो माइनस वाला ही होगा, और 395 के आसपास हमारा कौन सा है 405, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड, इस हिसाब से भी सेकंड आंसर हो जाएगा। देखो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा 395.65,
67 का कौन सा हो गया बच्चों आंसर सेकेंड। आगे बढ़े देखते क्वेश्चन नंबर 68। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू हमें गिवन है किसके लिए एल ए जी के और सी आर इनके लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -1.66 वोल्ट 0.80 वोल्ट -2.93 वोल्ट और ये -0.74 वोल्ट। हमें करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बच्चों हमें पता है यस आर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी जिसका एस आर पी की वैल्यू सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो एस आर पी की वैल्यू सबसे कम किसके लिए आ गई पोटेशियम के लिए तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा पोटेशियम का। उसके बाद कौन सा आ जाएगा माइनस उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम उसके बाद क्रोमियम उसके बाद क्या आ जाएगा एज। ये हमारा ऑर्डर हो गया किसका रिड्यूसिंग पावर का के एल सी आर ए जी के एल सी आर ए जी ऑप्शन नंबर। देख लो बच्चों एक बार ये इसका की पॉइंट है ये की कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इफ ई नॉट सेल्फ आर द गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। हमें ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दिया है नेगेटिव तो डेल्टा जी नॉट बच्चों हमारे पास क्या होता है माइनस एम एफ ई नॉट सेल तो यहाँ ये वैल्यू निगेटिव में ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा पॉजिटिव तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो वाले दो ऑप्शन है ये तो गलत ये गलत हो गया। अब के देखते हैं क्या होता है बच्चों हमारे पास एक रिलेशन पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 आर टी लॉग के सी। अगर बच्चों के सी की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा जीरो। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाए तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ सकता है। अब केसी की वैल्यू के की वैल्यू अगर हम जैसे 0.1 ले लें 0.2 ले लें तब ये केसी की लॉग केसी की वैल्यू क्या आ सकती है निगेटिव आ सकती है मतलब लेस देन 1 होना चाहिए। केसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए एक से कम मतलब 0.1 0.2 0.3 0.9 तक हो सकती है एक नहीं हो सकती एक से कम हो सकती है तो लेस देन 1। यहाँ क्या लिखा है जीरो जीरो से ज्यादा जीरो से ज्यादा एक ले लोगे तो जीरो हो जाएगी पूरी वैल्यू क्योंकि लॉग लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 70। मोलर कंडक्टेंस हमें दिया NaCl HCl और इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस हमें क्या चाहिए CH3COH का हमें कैलकुलेट किसका करना है CH3COOH ये टूटेगा तो हमारे पास क्या बनता है CH3COO- और H+। इसका मतलब है बच्चों हमें सॉल्यूशन में बचना क्या चाहिए एसीटेट आयन और H+। तो यहाँ देखो एसीटेट आयन H+ हमें ये चाहिए और ये चाहिए H+ चाहिए मतलब हमें क्लोरीन को हटाना है और Na को हटाना है मतलब इसको अगर हम माइनस कर दे तो सीएल Na से Na कैंसिल हो जाएगा और सीएल से सीएल कैंसिल हो जाएगा अगर इसको माइनस कर दिया तो इन दोनों को जोड़ो और इसको माइनस कर दो। देखो क्या करें हम देखो ऐसे Na प्लस और सीएल माइनस यही है और दूसरा क्या है H प्लस और सीएल माइनस है और तीसरा क्या है CH3COO- और H+ है। इसके लिए हमें दिया है कितना 126.45 तो इसके लिए कितना दिया 426.16
और इसके लिए दिया बच्चों 94। और हमें मेन हमें चाहिए क्या, हमें इसी डेट आइन चाहिए और एस प्लस चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए और एस प्लस चाहिए, ये एन ए प्लस है बच्चों, एन ए प्लस है, ठीक है, एन ए प्लस हमें ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी हमें इसको कैंसिल करना है, क्या करो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस, ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास यही बच्चा, मतलब हमने इसको इसको जोड़ना है और इसको माइनस करना है। देखो 426.16 में क्या जोड़ दो, 91, कितना हो जाएगा ये 6167 9211 4 5। अब इसमें से माइनस कर दो 126.45, इसमें से माइनस कर दो कितना 126.45, कितना हो जाएगा ये 1 11 में से 4 गया 7 0 11 में से 2 गया 9 5 4 में से 1 गया 3, 390.71 एग्जैक्ट आंसर बच्चों हमारा आ गया, कौन सा, थर्ड। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में बच्चों मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ सोडियम आयन मिलेंगे और क्लोराइड आयन मिलेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोरीन गैस यूजिंग करंट 3 एम्पियर, कह रहा कितने क्लोरीन प्राप्त, इतने क्लोरीन प्राप्त होने चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस टाइम रिक्वायर्ड हमें बताना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या हो गया, एन ए है, ये क्या करेगा एन ए प्लस में जा रहा है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक एन ए से एन ए प्लस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से, और ये Cl2 माइनस दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में रहेगा, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या फार्मूला बचता है, देखो W इज इक्वल टू ए आई इंटू टी डिवाइड बाई एन इंटू एफ, हमें ये दिया हुआ वेट बाई ए इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई एन और एफ, देखो ये वैल्यू हमें की है, ये दी है वैल्यू क्या, ये वेट बाई एटॉमिक वेट क्या होता है मोल, कितना 0.01 0.10, करंट हमें गिवन है कितना बच्चों देखो 3 एम्पियर, और टाइम हमसे पूछ रहा है, और एम की वैल्यू कितनी हो गई 2 और 96500, ठीक है। तो यहाँ से टी हम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 0.10 into 2 into 96500 डिवाइड बाई 3, और इसको मिनट में कैलकुलेट करना हमें, तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बच्चों टाइम यहाँ से हमारा आ जाता है 107 मिनट आ जाता है, इससे ये काटोगे ये 2 3 6, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 9 6 5 डिवाइड बाई 9, 9 9 नहीं जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट करो 9 6 5 डिवाइड बाई 9, कितनी बार गया एक बार, 9 क्या गया कैंसिल, अब ये 6 आ गया नहीं जाएगा 0, 9 7 63 7 बार गया वो 107, लगभग 107 मिनट आ जाएगा। चाहे ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड, इसको हमने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसको हमने ये आंसर आता हमारा सेकंड में, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मिनट में हमारा आंसर है। आगे देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ए सॉल्यूशन है NaI इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी मोल ऑफ मोल यहाँ भी हमें निकालना है डिपॉजिटेड कैथोड,
तो मोल यहाँ भी हमें निकालना है डब्ल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक वेट आई इंटू टी डिवाइड बाई एन इंटू एफ. मोल हाउ मेनी मोल, तो वेट बाई एटॉमिक वेट, वेट बाई एटॉमिक वेट ये क्या हो जाएगा मोल आई करंट. देखो हमें दिया करंट आई इंटू टी की वैल्यू दी है, आई इंटू टी की वैल्यू क्या क्यू होती है, क्यू दिया 0.1 फेराडे और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस टू दो इंटू फेराडे और ये फेराडे से फेराडे कैंसिल हो गया. तो ये हो गया मोल वेट बाई एटॉमिक वेट. मोल होता है ये 0.1 डिवाइड बाई टू, जीरो बढ़ाया दशमलव, 0.1 डिवाइड बाई टू क्या करे 1/20 दशमलव बढ़ा के 0 0 बढ़ा के 0 20 बच्चे 100 कितना आ गया मोल 0.05 मोल आ गया बच्चों. 0.05 देखो कौन सा है ऑप्शन नंबर कौन सा है चौथा 0.05 मोल. आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73. गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर इतना इतना हमें निकालना इसके लिए ठीक है. हमें दिया गिवन क्या है, पहले देखो गिवन क्या है Cu प्लस टू है, ये दो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, और इसके लिए हमें क्या गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना 0.34 वोल्ट, और किसके लिए हमें गिवन है Cu प्लस से Cu प्लस है. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, और हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए हमें गिवन है, इसके लिए गिवन है कितना 0.522 वोल्ट. हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है Cu प्लस टू, एक इलेक्ट्रॉन लिया किसमें कन्वर्ट हो गया Cu प्लस, यहाँ इसके लिए हमें ई सेल कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं हमारे पास Cu प्लस टू इधर ही है ठीक है. अब Cu प्लस हमें इधर ले जाना, तो इस रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा करो इसको, इसको हम उल्टा कर दें, देखो क्या हो जाएगा ये Cu और ये Cu प्लस और ये एक इलेक्ट्रॉन. अब इस रिएक्शन को भूल जाओ, इसको हम क्या कर दें प्लस था तो माइनस 0.522 वोल्ट, इसको क्या करो बच्चों भूल जाओ इस रिएक्शन को. अब ये हमारे पास रिएक्शन बच्ची है ठीक है. अब अगर इसको हम जोड़ दे डायरेक्ट, इसको हम जोड़ दे तो हमारे पास ये रिएक्शन मिल जाएगी. देखो Cu से Cu कैंसिल, ये दो इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल एक इलेक्ट्रॉन बचा, और Cu प्लस टू और ये Cu प्लस. तो हमने क्या किया बच्चों सीधे इनको इनको जोड़ दो, कितना आएगा ई सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.34, और जोड़ना है तो माइनस क्योंकि माइनस का साइन है 0.522 वोल्ट. ये कितना हो जाएगा देखते हैं 0.340 माइनस 52. ये हमारा माइनस में आंसर आएगा, देखो माइनस में ही आएगा, देखते हैं कितना 522 तो माइनस है और 340 कितना आ गया ये 2 कितना बच्चा 522 है और 34 है, ये 2 आ गया 12 में से 4 गया 8 और ये 4 में से 3 गया 182 माइनस का 182 हमें ये दो रिएक्शन इनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया और इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो 73 का कौन सा हो गया थर्ड, देख लो इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन है. आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74. व्हेन 0.04 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 वेट ऑफ कैल्शियम मेटल डिपॉजिट W
इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना किसका, कॉपर का, कैल्शियम का, 40 डिवाइड बाय, ये फार्मूला हम कई बार लिख चुके हैं इसलिए इस बार नहीं लिख रहे हैं, 40 एटॉमिक वेट एन फैक्टर कितना हो गया 2, और कितना फैराडे चार्ज 0.04 डिवाइड बाय एफ, और ये एफ, एफ से एफ कैंसिल, ये कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा 2 × 8, कितने अंक के बाद 0.2, 2 अंक के बाद 0.1, पॉइंट तो एक जीरो भी तो रहेगा, 2 अंक के बाद 0.0.80 ग्राम हो जाएगा डब्ल्यू। ये फार्मूला कौन सा लगाया हमने, डब्ल्यू इज इक्वल टू एटॉमिक वेट फैराडे यानी क्यू इंटू एन फैक्टर इंटू एफ, कौन सा आंसर हो गया 4। आगे बढ़े देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल, डेनियल सेल हम बना देते हैं बच्चों, ये है जिंक, ये होता है नेगेटिव एनोड, ये होता है कॉपर, डेनियल सेल बना रहे हैं कॉपर, ये होता है कैथोड, और ये हमारे पास होती है वायर, और यहां पे लगा होता है सॉल्ट ब्रिज, यहां पे हमारे पास होता है Zn(SO4)-2+2, और यहां पे होता है Cu(+2) और SO4-2। अच्छा क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है हमारा कॉपर, जिंक से कॉपर की तरफ करंट मूव करता है, किधर से किधर की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ, और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, क्या एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, जेडियन क्या करता है जेडियन प्लस टू में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और यहाँ कॉपर क्या होता है कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके सीयू में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, ये क्या है कैथोड और ये है एनोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन और कॉपर पे क्या होता है, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक नहीं जिंक टू कॉपर होता है, ये गलत हो गया, करंट फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर, इलेक्ट्रोड कॉपर से जिंक की तरफ होता है, कैटायन मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, कैटायन मूव, कैटायन है मूव कर रहा है कहां कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ये सही हो गया, कैटायन मूव टुवर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड तरफ कैटायन नहीं जा रहा, यहां से तो जेडियन क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जेडियन प्लस टू में सोल्यूशन में आ रहा है ये जेडियन प्लस टू, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। आगे बढ़े देखते क्वेश्चन नंबर 76। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट, इसमें होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाईएस्ट होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर हम वीक ले लेंगे तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, ये देखो वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है वीक बेस है, ये क्या है वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, एक वीक आ जा रहा है, अगर कोई वीक हो गया तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाता है, और यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, 76 का ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इतना इतना, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले जो पूछा गया उसकी रिएक्शन लिख लो सबसे पहले, तो हमें क्या बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, क्या बन गया ये CO, ठीक है क्या बन गया CO, अब इसके लिए हमें देखो गिवन क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबसन कार्बन का गिवन है और कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का कितना है -3.5, तो इसका तो जीरो होगा और इसका कितना गिवन है -2.83, इसके लिए हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबसन ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट कितना है -393.5 और ये माइनस और ये भी माइनस कितना हो जाएगा +2.83, माइनस करो देखो कितना आता है -3.93 है ना, ये देखो
393.5 और कितना माइनस करना है 283, ये हो गया 5011 माइनस का 110.5, माइनस का 110.5 ऑप्शन हमें दिख रहा है, माइनस का होगा, माइनस का क्यों, क्योंकि ये माइनस है, प्लस वाला भी ऑप्शन है, प्लस वाला मत लगा देना। 77 का कौन सा हो गया चौथा, देख लो बच्चों इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको जरूरत हो। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, एंथैल्पी चेंज सक्सेसिव ब्रेकिंग ऑफ ओएच बॉन्ड, इतना बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ओएच बॉन्ड। तो बच्चों हमें देखो एक बॉन्ड टूटा तो एनर्जी इतनी निकली, इसमें दो ओएच बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड टूटा तो एनर्जी इतनी निकली और दूसरा टूटा तो इतनी निकली, तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास होता है बच्चों इनका एवरेज, तो 498 + 428/2, इसको सॉल्व करो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 8, 8, 16, 9, 2, 11, 1, 12, 4, 4, 8, 9, इसको 2 से डिवाइड किया 4, 6, 463, ऑप्शन कौन सा चौथा। अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं वही हमारी क्या होती है बॉन्ड एनर्जी होती है OH बॉन्ड, OH बॉन्ड कौन सा हो गया बच्चों चौथा। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ऑल द न्यूट्रल नेचुरल अकरिंग प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन डायरेक्शन विच लीड्स टू डेल्टा जी, अगर हमारे पास निगेटिव होता है तो वह रिएक्शन क्या होती है, चाहे नेचुरल प्रोसेस हो कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा जी क्या होती है निगेटिव होती है, तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी कम होगी, डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है अगर डेल्टा स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी क्या होती है पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होती है और डेल्टा जी क्या होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी नहीं होगा डिक्रीज होगा फ्री एनर्जी में, क्यों, क्योंकि निगेटिव लाना है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑप्शन कौन सा होगा चौथा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 80, फॉर द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए निगेटिव, तो डेल्टा जी क्या होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो ये भी निगेटिव होगी, तो पहला ऑप्शन देखते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, ऑप्शन कौन सा हो गया पहला, पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े अगर ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ गई तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा निगेटिव। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा एस हमारे पास क्या होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी ऑप्शन पहला ही हमें दिख रहा है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, आगे देखें 82 नंबर देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सीन एन एच टू आर इतना इतना ही, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमें पूछा जाए उसकी पहले रिएक्शन लिख लो, ये क्या है साइक्लोहेक्सीन, इसका हम क्या करें हाइड्रोजनेशन करा रहे तो क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा हमारे पास, इसके लिए हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो हमें दिया क्या है इनका कंबसन, अगर कंबसन दिया जाता है तो हमें डेल्टा एच रिएक्शन निकालनी है, तो समेशन ऑफ अभी हमने पीछे रिएक्शन लिखी थी डेल्टा एच कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबसन ऑफ प्रोडक्ट, अब देखते हैं इसका कितना दिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का हमें गिवन है कितना माइनस का 3920 और किसका गिवन है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन हो गया, हाइड्रोजन का कितना गिवन है साइक्लोहेक्सेन का हो गया साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का कितना है 3 - 3000 और इसका कितना माइनस का 240, ये कितना हो जाएगा देखो रिएक्टेंट के टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 3241 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3920, अब देखो माइनस करो देखो प्लस कितना हमारे पास क्या जाएगा प्लस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है ना 3920 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस का 3241 ठीक है 3241
फोर नौ, ये माइनस ये प्लस, दस में से एक गया नौ, यहाँ बच्चा ग्यारह में से चार गया सात, आठ में से दो गया छः, ये वाचो आ जाएगा मार प्लस का कितना 679 प्लस का आ जाएगा 679। क्योंकि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा और उसको माइनस माइनस प्लस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 679 किलो जूल पर मोल। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन हमें गिवन है, टेम्परेचर इतना वेपराइजेशन 2 मोल वाटर, बट लिक्विड है, हमें वर्क डन बताना है शायद, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच, ये हमारे पास होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी बच्चों किसके लिए लगाते हैं, गैस के लिए लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या दिया है लिक्विड, तो लिक्विड के लिए डेल्टा यू की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू के, और डेल्टा एच हमें कितना गिवन है 50, तो डेल्टा यू भी कितनी हो जाएगी 50 किलो जूल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 200। ये गैस के लिए होता है, लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड के लिए डेल्टा यू हमारे पास हो जाता है जीरो, देख लो इसको। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। फॉर विच ऑफ दीज रिएक्शन डेल्टा एस निगेटिव, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस निगेटिव कब आएगा, जब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहती है, यहीं पे हमारे पास क्या गैस, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है, तो यही तो होगा आंसर हमारा, भाई क्या कह रहे हैं डेल्टा एस निगेटिव आना चाहिए, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया पहला, यहाँ पे देखो एंट्रोपी क्या, दो यहाँ है दो यहाँ है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि सॉलिड है ये गैस है, यहाँ पे देखो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ रही है, 84 का कौन सा हो गया पहला। आगे बढ़े 85 नंबर देखते हैं। फॉर ए गैसियस रिएक्शन डेल्टा ई इज 70 किलो कैलोरी, एज्यूम आर टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एन जी आर टी, यहाँ देखो 3 3 6, डेल्टा एन जी की वैल्यू की 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो डेल्टा एच 17 हो जाएगा माइनस डेल्टा, ये प्लस कितना 2, आर की वैल्यू कितनी है 2, देखो आर की वैल्यू 2, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखो टेम्परेचर हमें दिया है 27 मतलब 300, और ये किलो में है तो क्या करो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी किलो में हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 6 6 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.2, तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो गया 17 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 18.2, क्या हो जाएगा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी डेल्टा एच, देखो 18.2 किलो कैलोरी हो जाएगा आंसर थर्ड। आगे बढ़े बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सीओ फॉर इलेक्ट्रोलाइट 10 मिनट विद करंट 1.5 एम्पीयर, तो वेट हमसे पूछा है कितना डिपॉजिट हो गया, तीसरी बार हम ये फार्मूला बता रहे हैं, तो कितना 63.5, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और फेराडे 96500 इंटू करंट कितना 1.5 एम्पीयर, और क्या है 10 मिनट के लिए पास कर रहे हैं 10 इंटू ये कितना 600 हो जाएगा सेकंड, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 3 6 हो गया, और 5 से किया तो 5 3 15, और ये 5 1 93, ठीक है। अब ये बच्चों हमारे पास वेट कितना आ गया 63.5 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 193,
ये बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.296 ग्राम, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29.6 × 10⁻²। देखो कौन सा आंसर है हमारे पास, 29 × 10⁻⁶ अप्रोक्स इतना ही आ रहा है हमारे पास ग्राम। देख लो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई जेड इतना इतना इतना, ठीक है, एक्स वाई जेड द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। पहले देखो एक्स वाई और जेड, एक्स का कितना है -1.2 और वाई का कितना है 0.5 और जेड का -3। हमें क्या कैलकुलेट करना, रिड्यूसिंग पावर। तो एस आर पी बच्चों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग पावर। जिसका एस आर पी कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। एस आर पी सबसे कम किसका है, जेड का, तो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा जेड का। उसके बाद किसका हो जाएगा, एक्स का, फिर हो जाएगा वाई का। तो जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। ये इसका की कॉन्सेप्ट है। ये रिड्यूसिंग पावर का आर्डर हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। NaCl, HCl और एसीटेट, सोडियम एसीटेट का हमें क्या दिया, इनका मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट डाइल्यूशन, और ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या हमें चाहिए, CH3 COOH, इसको तोड़ोगे क्या बनेगा, CH3 COO- और H+। देखो हमें क्या करना है, यहाँ से H+ Na को हटाना है और Cl को हटाना है। क्या करो, इसको माइनस कर दो भाई, ये माइनस Na, यहाँ से आएगा प्लस, ये माइनस कैंसिल, Cl Cl ये दोनों हमारे पास बच जाएंगे। क्या करो, हमारे पास इसके लिए कितना दिया है Y, इसके लिए कितना है Z, इसके लिए कितना है X। अगर हम कर दें Z, अगर हम कर दें क्या, Z प्लस वाई माइनस एक्स, जेड प्लस वाई माइनस एक्स, क्योंकि इसको हमने माइनस किया है, जेड प्लस वाई माइनस एक्स। देखो है कोई ऑप्शन ऐसा, जेड जेड प्लस वाई माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये भी हो सकता है, इसको वाई प्लस जेड माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों, चौथा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा, ई रिडक्शन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट हाइड्रोजन एच प्लस से एच माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिडक्शन कराओ किसका, हाइड्रोजन का, 2H+ दो इलेक्ट्रॉन दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। ये कितना दिया है, 1 atm, पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में PH2 कितना दिया, 1 atm और हाइड्रोजन आयन 1 atm। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ER पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन ERP हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और हमें लाना क्या है, निगेटिव। अगर ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो जाए तो निगेटिव वैल्यू आएगी। देखो रिएक्टेंट किस में ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, 2H+ किसमें ज्यादा है, 2H+, H+ हमारे पास क्या है, 1 है और ये 2 है। देखते हैं ERP H2 H2 मतलब H+ जिसमें ज्यादा होगा वह हमारा आंसर होगा। ये हो गया 0 माइनस 0.5059 बाई 2 log प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 H2 कितना है यहाँ पे, 2 बाई 1, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ERP हमारे पास क्या आ जाएगा, निगेटिव।
और हमें यही लाना है क्या, निगेटिव वैल्यू लानी है। अगर यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट अगर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू क्या देगी, निगेटिव, और टोटल क्या जाएगा, पॉजिटिव। ऑप्शन हमारा सेकेंड ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास ये वैल्यू क्या, log2 की वैल्यू पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, अल्टीमेट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, द लॉगरिथमिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग इतना विद स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें दिया है, ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल केसी की वैल्यू ई नॉट सेल, ठीक है, तो ई नॉट हमारे पास दिया है 0.059 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लॉग केसी, ठीक है। अब केसी हमें बताना, ई नॉट की वैल्यू दी है 1.2 और ये हो जाएगा 0.059 बाय 2 लॉग केसी। क्या करो, लॉग केसी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 0.059 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, ये 0.059 डिवाइड बाय 2.4 6, 8, 3, 11, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इतना गिवन है, लॉगरिथमिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेल। लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, केसी हमें बताना 0.059 बाय 2.4 जो हो जाएगा बच्चों हमारे 0.14, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लॉगरिथमिक ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर सेल रिएक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग ई सेल 0.059 बाय 2 लॉग केसी। देखो 4, 9, 36, 6, 3, 4, 25, 20, 23 2, 9, 18, 8, 2, 25, 10, 11, 6, 8, 3, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 4, 8, 10। लॉगरिथमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों इसको देखते हैं फिर से एक बार, हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नॉट वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों ई नॉट 0.059 बाई एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2। देखते हैं एन की वैल्यू 0+2। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल 1.2 वोल्ट ईच ना 1 लॉग केस, ये कितना है हमारे पास 1.0 कितना हो जाएगा 2, ये 1.2 डिवाइड बाय 0.059 बाय 2 लॉग केसी, ये हो जाएगा केसी कितना, लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 0.059, ये होगा बच्चों यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक थी, ये हो जाएगा हमारे पास 2.4 और ये 0.059। क्या करो यहाँ पे 1020, अब ये हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 59, कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार, देखो 9, 36, 6 और 4, 25, 20, 23 कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 300, अब यहाँ 0 बढ़ा के 10, 40 नहीं जाएगा, 10 में बढ़ा के 0, कितनी बार जाएगा ये 6 बार, तो कितना आ जाएगा 14.6। लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग केसी की वैल्यू आ जाएगी 14.6। बच्चों यहाँ पे हमारा क्या कर रहे थे, हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, अब तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, इसमें इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका
इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, तीसरा 40.6। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। देखो, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह उतना ज्यादा आयनाइज होगा, उसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो फ्लोरोएस्टिक एसिड है, डाई फ्लोरोएस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, फ्लोरोएस्टिक एसिड, फ्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई ज्यादा लगाएगा, यहाँ पे दो दो फ्लोरीन है तो उसको एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतने ज्यादा आयन मिलेंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड, क्यों, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ये रिएक्शन है इज फाउंड टू बी पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, देन यहाँ पे देखो हमें एंट्रोपी क्या दिया है, पॉजिटिव, डेल्टा एस दिया है पॉजिटिव, और डेल्टा एच हमारे पास बच्चों क्या हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और यहाँ पे टी डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या अल्टीमेटली आ जाएगा, निगेटिव, और जब निगेटिव आता है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, यहाँ कोई भी टेम्परेचर हम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह निगेटिव ही आएगा, और जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कोई भी ले, कम से कम टेम्परेचर, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव ही आनी है, कौन सा हो जाएगा, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमें गिवन है, फॉर्मेशन N2 प्लस 3H2 और क्या हो गया NH3, हाफ कर दो और यहां पे भी हाफ कर दो, ये हमारे पास डेल्टा एच आ गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इतना गिवन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालनी है, और इसके लिए हमें गिवन है -46.46 किलो जूल, ठीक है। अब हमें किस रिएक्शन के लिए निकालनी है, तो मतलब इसको क्या करो, उल्टा करो, इसको हमने क्या किया, उल्टा किया, NH3 ये इधर चला गया, हाफ N2 प्लस 3/2H2, ये बच्चों कितना पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन को हमने उल्टा किया, ये पॉजिटिव 46 किलो जूल। अब हमें यहां लाना है क्या, दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी दो से मल्टीप्लाई, यहां भी दो से मल्टीप्लाई, यहां भी दो से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 और 9 प्लस 92 प्लस 92, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड, प्लस 92 किलो जूल। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों 94 नंबर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड BR इतना बॉन्ड एनर्जी दी है रिएक्शन, हमें क्या निकालना है, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, क्या निकालना है, बॉन्ड एनर्जी, तो अगर हमें क्या दिया, बॉन्ड एनर्जी दी है, इसके लिए हमें डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा, जब बॉन्ड एनर्जी गिवन होती है तो डेल्टा है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हमारे पास H2 है Br2 है, दोनों को जोड़ो 433 प्लस 192, और इसमें माइनस करना है कितना, 2 × यहाँ पे 2 है तो 2 × 364 है, ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 9 × 3 = 12, 4 × 5 = 6, और ये माइनस 8 × 12 = 2 = 6 = 7, 728 में से हमें क्या करना, माइनस 728 में से 625 माइनस करना, ये हो गया 301 माइनस 103, देखो 103 कितना माइनस का, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास माइनस का 103 इसमें होगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95।
वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W क्या हो गया, बाय द सिस्टम नेगेटिव है 8 जूल, व्हेन 40 जूल हीट सप्लाई टू द सिस्टम तो Q क्या हो गया पॉजिटिव 50 जूल, कितना 40 जूल, पॉजिटिव 40 जूल। फाइंड द इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q कितना है माइनस, Q कितना माइनस 8 जूल प्लस Q कितना हमारे पास माइनस 40 जूल, क्यों हीट सप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 40 माइनस 8 जूल कितना हो जाएगा 32 जूल किसमें प्लस में 95 का सेकेंड ऑप्शन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़े देखते हैं 96 फॉर अ रिएक्शन गिवन बिलो डेल्टा एच हमें गिवन है इसका व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ये क्या हो रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन में हम क्या एक मोल CH4 को जलाते हैं और क्या बनता है हमारे पास CO2 और H2 यहां पे कितना 4 है 2 कर दो यहां पे और यहां भी क्या कर दो 2 कर दो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर इसके एक मोल को जलाते हैं तो जो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। और यहाँ पे देखो इसको दो मोल को जला रहे हैं, ये दो मोल को जलाने पे कितना निकल रहा है माइनस एक्स बाई टू और एक मोल को जलाओगे कितना निकलेगा माइनस एक्स बाई, तो दो मोल को जलाने पे हीट निकल रही है माइनस एक्स किलो जूल, तो इसके आधे मोल को जलाओगे क्या इसका आधा हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू किलो जूल डेल्टा एच माइनस एक्स बाई टू किलो जूल। आगे बढ़े बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बच्चों ये तुम्हें डिफिनेशन जो है देखा देखा लग रहा होगा ये क्या है कौन रहा उछला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या करते हैं हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं उसका तो उसके जो आयन होते हैं प्रत्येक आयन का अपना अलग अलग कंडक्टेंस होता है यह हमारे पास क्या है कोलराउस लॉ बताता है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा चौथा है। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 फॉर द गैस फेज रिएक्शन विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट बेटा इसमें क्या हो रहा है डीकंपोजिशन हो रहा है किसका PCl5 का तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्यों क्योंकि हीट देनी पड़ेगी और डेल्टा एस देखो बच्चों डेल्टा एस क्या हो जाएगा फाइनल का क्या देखो डीकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे गैस के दो मोल है यहाँ पे गैस के एक मोल है तो दो माइनस एक मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो डेल्टा एस भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो ऑप्शन बच्चों कौन सा होगा चौथा। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट वेट ऑफ सब्सट्रेट डिपॉजिट इफ रिएक्ट्स एंपियर ऑफ करंट इट फ्लो डाउन थ्रू अ सॉल्ट सॉल्यूशन 10 सेकंड के लिए इक्विवेलेंट वेट हमें दिया है m/4 बच्चों हमने फार्मूला आपको बताया है अभी एटॉमिक वेट m फैक्टर फैराडे I × T तो वेट हमें बताना है देखो वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है x एम्पियर करंट पार्ट पास करने पे वेट डिपॉजिट हो रहा है हमारे पास x एम्पियर करंट पास करना है एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर क्या होता है इक्विवेलेंट वेट तो इक्विवेलेंट वेट हमें कितना दिया है m/4 I कितना दिया है x टाइम कितना दिया है 10 और ये क्या हो गया फैराडे देखो ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है m x 10 डिवाइड बाय 4 m ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड देख लो इसको देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर कॉपर है ये हमारे पास क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है सिल्वर है रिड्यूस हो रहा है ई नॉट सेल इतना दिया हेंस फ्री एनर्जी चेंज हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट तो माइनस एन एफ ई नॉट ठीक है माइनस एन कितना हो जाएगा यहां पे 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.46
कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 9, 0.92 × 9650, मल्टीप्लीकेशन करो 9650 मल्टीप्लाई किससे करना 0.92 से, तो गया 0 × 0 = 2 × 9 = 18, 19। अब ये करें 0 0 45 5 4 9 6 54 4 58 5 9 9 81 86 हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 86 देखो 0 0 0 5 3 8 9 8 17 के 7 6 1 7 1 8 और ये 8 और 2 अंक के बाद 10 लगा दिया बच्चों, ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 8 8 7 8 0, ये आ जाएगा जूल में, जूल में, और इसको किलो जूल बनाना है तो बच्चों 1000 से डिवाइड कर दो तो 3 अंक के बाद 10 हो जाएगा -88.78 किलो जूल। देखो बच्चों कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारे पास डेल्टा जी नॉट का, 88.78 किलो जूल, पहला ये ऑप्शन है बच्चों 88.78 किलो जूल, देख लो बच्चों इसको, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।